हे दे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि पोकेमोन एनिमे के अंदर कौन सा जेंडर बेहतर है। यानी कि तुम्हें पता होगा, जब पोकेमोन एनिमे की शुरुआत हुई थी तब स्टार्टिंग में हम लोग को कोई भी जेंडर नहीं बताया गया था, बट जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस करता गया हम लोग को दो जेंडर्स के बारे में पता चला पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर, मेल पोकेमोन्स एंड फीमेल पोकेमोन्स। एंड मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कौन सा पोकेमोन का जेंडर बेहतर है, मेल पोकेमोन्स वाला या फीमेल पोकेमोन वाला। तो मैंने इस पर रिसर्च किया एंड मुझे ऐसा जानने मिला कि फीमेल पोकेमोन्स एक्चुअली बेटर होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ सात ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम फीमेल पोकेमोन से किसी भी मेल पोकेमोन को हरा सकते हो, एंड फीमेल पोकेमोन्स क्यों बेटर है ये भी। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आए, एंड लेट मी टेल यू बॉयज, मैं लड़कों के साथ हूँ, ठीक है, बॉयज फॉर द विन्स। मैं वो तुम्हारी क्लास टीचर नहीं हूँ जो हमेशा लड़कियों का साथ देता है और लड़कों को ऐसा कोने में फेंक दिया जाता है, नहीं। तो यार चलो बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट रीजन जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल पोकेमोन्स बहुत ज्यादा सुपीरियर है मेल पोकेमोन से, वो ये है कि फीमेल पोकेमोन्स को एक मूव आता है जो कि अट्रैक्ट। लेट मी टेल यू अट्रैक्ट मूव कैसे काम करता है। बेसिकली योर पोकेमोन शुड बी फीमेल अगर उसको अट्रैक्ट मूव सीखना है। तो अट्रैक्ट मूव ये काम करता है, अगर तुम्हारे अपोनेंट में कोई मेल पोकेमोन है बेसिकली उसको फ्लिंच कर देगा अपनी अदाओं में। यानी कि अगर सामने कोई मेल पोकेमोन है देन और तुम्हारे पास फीमेल पोकेमोन है तो मेल पोकेमोन अटैक नहीं कर पाएगा तुमको, और अट्रैक्ट मूव ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इस सीन पे जहाँ पे स्नाइवी ने एश के पिकाचू पे अट्रैक्ट मूव का यूज किया और पीकाचू पट गया तुम लोग क्या कह सकते हो। तो या अगर तुम अट्रैक्ट मूव का यूज करोगे देन तुम किसी भी मेल पोकेमोन को इजीली हरा सकते हो विद नो टाइम। लेट्स लुक एट पोकेमोन एबिलिटीज, ठीक है, कि मेल पोकेमोन के पास ज्यादा अच्छी एबिलिटीज होती हैं या फिर फीमेल पोकेमोन के पास। मैं जानता हूं लड़कों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं, याद करो मैं तुम्हारा क्लास टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पोके स्क्वाड हूँ जो हमेशा लड़कों के साथ रहे। ओके, तो यहाँ पे एबिलिटीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दो पोकेमोन्स का एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने वाला हूँ। फर्स्ट एंटिटी, यहाँ पे तुम मेल एंटिटी को लेफ्ट साइड में देख सकते हो एंड फीमेल एंटिटी को राइट साइड में, ठीक है। सो अगर तुम मेल एंटिटी की एबिलिटी देखो तो उससे कंपेयर करें तो फीमेल एंटिटी की एबिलिटी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इन बैटल्स। एज वेल एज अगर तुम वॉमेडन का केस देखो, यहाँ पे वॉमेडन है और यहाँ पे मॉथेम है, ठीक है। ये दोनों पोकेमोन्स जो है एक पोकेमोन से इवॉल्व करते हैं बेसिकली जेंडर पे, अगर फीमेल हुआ तो वॉमेडन, मेल हुआ तो मॉथेम। अब तुम अगर मॉथेम की एबिलिटी देखो देन तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, मॉथेम की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके बग मूव बूस्ट हो जाएंगे। बट उस सीन में क्या करोगे जहाँ पे अपोनेंट पे बग टाइप मूव्स काम ही नहीं करते, दैट्स वाई वॉमेडन यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि वॉमेडन की एबिलिटी जो है एंड वो तुम्हें ये बता देगी कि सामने वाले अपोनेंट के पास कितने पावरफुल मूव है एंड तुम इजीली उससे बच सकते हो फिर। सो या मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल पोकेमोन के पास ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होती है पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। नंबर थ्री, ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड इसमें कुछ भी ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है। लाइक तुम्हें पता है कि फीमेल पोकेमोन्स के डिजाइन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीटियर होते हैं, यानी कि दे लुक्स ऑसम मैन, लाइक कितने क्यूट दिखते हैं वो लोग। एंड इतना ही नहीं, वो सिर्फ क्यूट होते हैं, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, वो उतना ही पावरफुल भी होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ एबिलिटीज एंड वगैरह के बारे में, तो सुनते जाओ। बट अगर डिज़ाइन के बेसिस पे देखे देन मोस्ट प्रोबेबली पोकेमोन कंपनी मेल पोकेमोन्स को कचड़ा बना देती है एंड फीमेल पोकेमोन्स को as well as awesome design देती है। So personally मुझे ऐसा लगता है कि female Pokemons को ज़्यादा partiality मिलती है designs के मामले में। So yeah, number 4, ये चीज़ काफ़ी कम लोग को पता होगी and इतना मैं कह सकता हूँ शायद से तुम में से काफ़ी लोग को नहीं पता होगी। So ये चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। जनरेशन 2 यानी कि पोकेमोन के गोल्ड एंड सिल्वर गेम से पहले जेंडर्स नहीं थे, यानी कि ना जेंडर बेसिस फॉर्म होते थे ना कि तुम्हें जेंडर का सिंबल दिखता था पोकेमोन रेड एंड ब्लू के अंदर। मैं फायर रेड एंड लीफ ग्रीन की बात नहीं कर रहा, ये चीज़ ध्यान से सुनो। फायर रेड एंड लीफ ग्रीन जो है वो एक्चुअली में रीमेक है रेड एंड ब्लू के। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल गेम्स रेड एंड ब्लू एंड गोल्ड एंड सिल्वर। देखो ये ओरिजिनल गेम है, अब ये चीज़ को इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि जब तुम रेड एंड ब्लू खेलते थे तब तुम्हारे पोकेमोन्स मेल एंड फीमेल इस बेसिस पर जज किए जाते थे कि अगर उसका अटैक ज़्यादा है देन शायद से वो फीमेल हो सकती थी, ठीक है, कंफर्म नहीं था। बट जैसे जैसे जेन 2 आया यानी कि अब वक्त आ चुका था गोल्ड एंड सिल्वर का, तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पोकेमोन ने फाइनली जेंडर्स को ऐड किया, तभी तो मैं जेंडर बेसिस एवोल्यूशन भी देखने मिले समय के साथ साथ। तो यहाँ से अब ट्विस्ट आना चालू हुआ। जनरेशन 2 में उन लोगों ने ये चीज़ को चेंज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि फीमेल पोकेमोन्स के अटैक ज़्यादा होंगे वगैरह वगैरह, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि फीमेल पोकेमोन्स के अटैक ज़्यादा होते हैं एंड जो मेल पोकेमोन्स होते हैं उनके डिफेंस और बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। बेसिकली तुम कह सकते हो फीमेल पोकेमोन्स आर गुड
गुड अटैकर वाइल मेल पोकेमोन्स आर गुड सपोर्टर टुवर्ड्स योर टीम। तो अगर तुम किसी सपोर्टर की जरूरत है अपनी टीम के लिए देन तुम मेल पोकेमोन के पास प्रिफर कर सकते हो, एंड अगर तुम्हें कोई अच्छा अटैकर चाहिए देन तुम्हें फीमेल पोकेमोन के पास अप्रोच करना चाहिए। नंबर 5, ये चीज़ तुम गेम्स के अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो बट तुम एनिमे के अंदर ये चीज़ को नोटिस कर सकते हो। जब भी एक मेल पोकेमोन्स और फीमेल पोकेमोन्स के बीच में फाइट होती है तब तुम लोग ये नोटिस करोगे कि फीमेल पोकेमोन्स की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पता नहीं कैसे बट एनिमे के अंदर ऐसा ही दिखाया जाता है। इसके रिलेटेड मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना ही तुम्हें कोई दे सकता है, बट जब तुम एनिमे के एपिसोड्स को ध्यान से देखोगे तो बेसिकली तुम कह सकते हो इट्स काइंड ऑफ थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस, जहां पे ऐसा माना जाता है कि फीमेल पोकेमोन्स के पास ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है। किसी भी जनरली बैटल के अंदर फीमेल पोकेमोन पहले अटैक करता है तुम्हारे मेल पोकेमोन से। ये चीज तुम सिर्फ एनिमे के अंदर ही नोटिस कर सकते हो, गेम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। नंबर 6, देखो एक बहुत कमाल की डील है, मतलब इस चीज का यूज करके तुम करोड़पति बन सकते हो पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। अब इस चीज को ध्यान से सुनो, फीमेल पोकेमोन्स कैन ब्रीड, ये चीज तुम्हें अच्छे से पता होगा, बट हियर कम्स अ ट्विस्ट, तुम जियोवानी से भी ज्यादा काला धंधा करके पैसे कमा सकते हो। अगर तुम पोकेमोन को ब्रीड करवाओ, बच्चे को बेच दो और तुम पैसे छाप सकते हो पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। प्रैक्टिकल होके बता रहा हूँ, करना मत, ठीक है, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गंदी बात है, बट जनरली तुम ऐसा कर सकते हो। दैट्स वाई तुमने नोटिस किया होगा जियोवानी का जो पर्सन है ना वो भी फीमेल है, जस्ट बिकॉज जियोवानी भी ऐसे ही पैसे कमाता है पोकेमोन बेच बेच के। सो या यू कैन डू दैट टू अगर तुम्हें अंबानी बनना है पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। नंबर 7 एंड लास्ट एंड पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी जेंडर को दूसरे जेंडर से सुपीरियर बनाता है पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। सो यहाँ पे मैं एक डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक तरफ रखते हैं वो पोकेमोन्स जो कि अगर मेल हो तो उस पर इवॉल्व करेंगे, एंड राइट साइड पर रखते हैं कुछ ऐसे पोकेमोन्स अगर वो फीमेल हो तो उस पर इवॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मेल में है गलेड और ग्लेली, वाइल राइट साइड में है गार्डेवोर एज वेल एज फ्रोजलास। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकती हूँ कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अगर तुम गेम्स खेलो या फिर तुम एनिमे के अंदर भी देखे हो तो या तुम लोग देख सकते हो कौन सा पोकेमोन की साइड ज़्यादा पावरफुल है, मेल वाली या फीमेल वाली। ऑफ कोर्स फीमेल वाली, ठीक है, कोई भी दो राय नहीं है। गार्डेवोर अकेले बैंड बजा सकती है, लाइक वो फेरी एज वेल एज साइकिक, वाइल फ्रोजलास इज ऑल्सो अमेजिंग मैन, उसकी एबिलिटी भाई मज़े आ जाते हैं, इतनी पावरफुल है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है ना, जब भी पोकेमोन के पास फीमेल इवोल्यूशन का ऑप्शन होता है या फिर मेल इवोल्यूशन का, तो फीमेल इवोल्यूशन वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जस्ट माई ओपिनियन। तो या आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता लड़के फिर मैं ऊपर भड़क जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो देन तुम्हें और ऐसे कमाल के पोकेमोन वीडियोस देखने मिलेंगे। तो या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैंने ट्राई किया ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना करूं, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं तुम्हारी क्लास की जो कि हमेशा लड़कियों की साइड देता है, लड़कों को ऐसे कूड़े की तरह समझते हैं ना। चलो वो सब छोड़ो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने ओपिनियन जरूर बताना। तो आज का पोके क्विज एंड आज के पोके क्विज विनर्स तुम्हारे सामने है। लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।